ये दक्ष प्रजापति की ये कथा आपको बता रही है। दक्ष के जैसा नहीं बनना आपको। साक्षात जगदम्बा आई थी ना उसके घर तो सती स्वरूप में, लेकिन फिर भी कहाँ सम्मान कर सका, कहाँ उस बेटी को वो स्थान दे सका जो उस बेटी का वो भगवती का था। और उल्टा भगवान शिव सहित वैर करने लग गया और माँ सती की मृत्यु में उल्टा कारण ही बना। तो वैसा पिता नहीं बनना जिसको दक्ष कहा है। पिता बनना तो हिमाचल के जैसा बनना जिसने भगवती के आने पर स्वागत किया, दक्ष के जैसा नहीं। अपनी ही अकड़ में, अपने ही अभिमान में इतना अकड़ गया कि महादेव और माँ सती दोनों को इसने उपेक्षित कर दिया। इतनी अकड़ भी ठीक नहीं होती। वैसा पिता नहीं। पिता माने ही पालक और रक्षक होता है। जो रक्षा न कर सके वो कैसा पिता, जो पालन न कर सके वो कैसा पिता, जो ममता न दे सके वो कैसी माँ। केवल जननी ही नहीं बनना है माताओं, माँ बनना है। और माँ केवल बालक को जन्म देने से नहीं बनती है। जन्म देने के पश्चात तो वो जननी कहलाती है, और जन्म तो पशु पक्षी भी अपनी अपनी संतानों को दे देते हैं, लेकिन जो माँ उस बालक को निर्माण करके, पालन करके, सुरक्षित करके, उस बालक को संस्कार दे करके जो मजबूत करती है वही माँ कहलाती है। तो जन्मदात्री के साथ साथ जननी के साथ साथ माँ भी बनना है। और माँ वात्सल्य से बनती है, प्रेम से बनती है। आज दक्ष प्रजापति ने अपने अभिमान के कारण महादेव और सती को उपेक्षित किया है। बड़ा यज्ञ किया है दक्ष प्रजापति ने। यह कथा श्री रामचरित मानस में चौपाइयों में गाई गई है। माँ सती की कथा श्रीमद् भागवत कथा में श्लोकों में गाई गई है, और देवी भागवत में भी श्लोकों में और माँ के प्राकट्य के स्वरूप में गाई गई। माने जब माँ सती बनकर आई दक्ष के यहाँ पर, तो माँ भगवती भी आ गई, तब पर भी उसका सम्मान नहीं कर पाए। कैसे ये पता लगाओगे कि ये भगवती नहीं है? आपके घर में हर रूप में कन्या भगवती ही है। एक बात याद रखना, असली चलती फिरती ये देवियां, ये बेटियां ही भगवती का रूप है। ये जो खिलखिलाती हंसती मुस्कुराती बेटी। आज दक्ष प्रजापति ने यज्ञ तो किया लेकिन पुत्री को नहीं बुलाया। अभिमान भरा हुआ था भीतर। ऊंचा पद इसको मिल गया था ब्रह्मा जी के द्वारा। देखा विधि विचार सब लायक, बहु विचार बहुत तरीके से देखा। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष हिकीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष तव पावा, अति अभिमान हृदय तवावा। बहुत अभिमान इसके हृदय में आ गया क्योंकि ऊंचा पद मिल गया। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का मुखिया बना दिया, सबसे ऊंचे। अब सभा में प्रवेश किया तो सभी देवता बैठे थे, क्योंकि ये सबके मुखिया बने थे। बड़ा पद था तो सभी खड़े हो गए। भगवान शिव किसी कारण खड़े नहीं हुए, बस इस क्रोध में, अहंकार में इसने शिव जी का अपमान किया। बहुत बड़ा यज्ञ रखा, यज्ञ तो रखा लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। माँ भवानी स्वरूपा सती को कोई निमंत्रण नहीं दिया। सब जब इस यज्ञ में देवता आने लगे तो माँ सती का मन हुआ कि मेरे पिता इतना बड़ा अनुष्ठान यज्ञ, इतना बड़ा उत्सव कार्य कर रहे हैं, तो मुझे जाना चाहिए। अगर मायके में कोई कार्य हो और बेटी को ना बुलाया जाए, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि मायके में तो छोटा छोटा कुछ उत्सव भी करते हैं तो सबसे पहले बहन बेटियों को बुलाया जाता है। इस दक्ष ने अहंकार वश सबको बुला लिया, लेकिन अपनी पुत्री तक को कोई बुलावा नहीं दिया, कोई निमंत्रण नहीं दिया। माँ सती के मन में भाव आया,
जब सब मेरे पिता के यहाँ जा रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए, पर एक बार शिवजी से पूछ तो लूं। भोलेनाथ ने समझाया माँ सती को और ये कहा कि देखो, निमंत्रण नहीं आया तो नहीं जाना चाहिए, इस समय मत जाओ, अगर मन करे तो फिर कभी चली जाना, पर इस समय जाना उचित नहीं है। कहे उनीक मोरे उ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई, और जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे नशील शनेह नकानी। हे भवानी, हे सती, यदि बिना बुलावे जाओगी तो फिर दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट होगा तुम्हें, ऐसा मेरा भाव है। पर फिर भी भोलेनाथ ने ये नहीं कहा कि मैं ऐसा आदेश देता हूँ या मैं पति हूँ या मैं ऐसा कहता हूँ कि तुम्हें वही करना है जो मैं चाहता हूँ। भोलेनाथ ने कहा कि फिर भी देवी, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा तुम कर सकती हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम उचित जो लगे सो करो। ऐसा मेरा भाव है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा भाव लग रहा है, तुम्हारा मन कर रहा है, जो तुम्हें उचित लग रहा है सो तुम कर सकती हो। इसलिए जब कभी आप पति पत्नी संवाद करने बैठे तो बात संवाद तक रहे, तभी तक बातचीत करनी चाहिए। जब संवाद से ऊपर थोड़ा विवाद होने लगे तो फिर चुप हो जाना चाहिए, फिर चुप हो जाना चाहिए। अब कौन चुप होगा ये निर्णय आप लोग करिए। हाँ, पति को चुप होना है कि पत्नी को? जो समझदार होगा वो चुप हो जाएगा, क्योंकि विवाद बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। भोलेनाथ ने कहा कि मेरा ऐसा भाव है, तुम्हें जो उचित लगे ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर विवाद करने से, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब तक संवाद रहे तब तक बातचीत होनी चाहिए, नहीं तो वहीं थोड़ा सा रुक जाइए। सती जी को लगा कि नहीं नहीं, जाना चाहिए, सब जा रहे हैं, अवसर अच्छा है, फिर कहाँ जाने का मौका मिलता है, किसी उत्सव पर, किसी अनुष्ठान त्योहार या समय पर ही जाया जाता है, ऐसे ही कभी थोड़ी बहन बेटियाँ जाती है, तो ये समय ठीक लग रहा है, जाना चाहिए। और देवी सती चली गई। जब भगवान शिव ने देखा कि सती जाने लगी तो अपने गणों को पीछे से भेजा है और अब मन में सोच लिया है कि हुई है सोई जो राम रची राखा, को कर तरक बड़ा वही साखा। अब तर्क वितर्क का समय ही नहीं है, अब तर्क वितर्क करने से फायदा नहीं, क्योंकि जो बात संवाद से नहीं बनी वो विवादों से बनने वाली नहीं है। ये अपने जीवन में इस बात को घटा कर देखना कि जो बात प्रेम से नहीं बनी तो कटुता से भी बात बनने वाली नहीं है, बात बिगड़ ही जानी है। इसलिए संभव हो तो समझदारी दिखा करके एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की सहमति में सम्मिलित होते हुए अपने गृहस्थ की गाड़ी को सुंदर बना लेना चाहिए सभी को। एक ने कही दूजे ने मानी, संत कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। एक ने कही दूजे ने मानी, संत कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी, फिर दोनों ब्रह्म ज्ञानी। आज भगवान शांत हुए, माँ सती पिता के यहाँ गई। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती ही विलोक जरे सब गाता। दक्षिण तो पूछा तक नहीं, देखा तक नहीं, माने तो गले मिला लगाया, लेकिन बहनों ने तो उपहास किया, देखो सती बिना बुलावे के आ गई है। सबका उपहास सहन कर लिया सती जी ने, लेकिन सती ही जाए देखे तब जागा। कतहु न दीख शंभु करी भागा, जब शिव जी का उस यज्ञ में कोई स्थान नहीं दिखा तब माँ सती क्रोधित हुई है। और माँ सती ने फिर अपने पिता को संबोधन करके कहा, हे दक्ष, तुम पिता कहलाने के अधिकारी नहीं हो, तुम पिता कहलाने के लायक ही नहीं हो। आज भगवान शिव जो देवादिदेव महादेव है, तुमने उनका अपमान किया है। पिता, तुमसे ये शरीर मिला है, इसलिए इस शरीर को यही इसी यज्ञ मंडप में भस्म करके मैं अपने भगवान से तो पुनः अगले जन्म में मिलूंगी, लेकिन तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होने दूंगी। आज योगाग्नि को माँ भगवती सती माता ने प्रकट कर लिया और योगाग्नि में अपने शरीर को समाप्त कर दिया, भस्म कर दिया है। हाहाकार हो गया चहुओर,
जाकर शिव जी को कहा और शिव जी ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने आकर दक्ष का शीश काटा और सबको दंड दिया। यज्ञ पूरी तरह विध्वंस हो गया है। भगवान स्वयं भी इस यज्ञ में आए हैं देवी भागवत कथा के अनुसार, और अब भगवान ने वो माँ सती का जो मृतक शरीर पड़ा है उसको अपने उठा करके मोहवश अब विलख रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और क्रोध में भयंकर प्रलय जैसी स्थिति को पैदा कर दिया और उस शरीर को लेकर चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं। सब देवता भयभीत हो गए हैं, क्या करें, कैसे शांत करें भगवान शिव को, क्या करें। तब भगवान श्री नारायण ने एक तीर से मां सती के उस शरीर को जिसमें कुछ था ही नहीं, मृत ही था, उसको खंड खंड कर दिया है। जब खंडित हुआ तब जहां जहां खंड गिरे, जो शरीर के अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हो गई है। जहाँ जहाँ माँ भगवती के वो शरीर के अंग गिरते चले गए वहाँ वहाँ कहते शक्ति पीठों की स्थापना। जहाँ जहाँ शक्ति का समावेश है वहाँ वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना। 108 शक्ति पीठों को भी मानते हैं और 51-52 शक्ति पीठों का भी कहीं ना कहीं कहीं जिक्र आता है। तो अलग अलग नाम पर ये माँ अलग अलग रूपों में और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जानी गई। जैसे कोलापुर में इनको लक्ष्मी रूप में मानते हैं, मातूपुर में रेणुका रूप में मानते हैं, हिमालय हिमाचल में ज्वाला देवी के नाम से, नेपाल में गुप्त काली और मणिद्वीप में माँ को त्रिपुर सुंदरी मानते हैं, पुष्कर में माँ को गायत्री मानते हैं, अमरकंठ में चंडिका के नाम से सुशोभित है और यही नैमिषारण्य में ललिता के नाम से सुशोभित है माँ। गंधमादन पर्वत पर कामुकी बन जाती है, यही गोमंत पर्वत पर गोमती है, कलकत्ता में यही काली का रूप धारण किए, रुद्रकोट में यही रुद्राणी है, द्वारिका में यही रुक्मणी है, वृंदावन में ये कात्यायनी है और मथुरा में यही देवकी है। यही माँ वाराणसी में देवी वैशालाक्षी है, ये नैमिषारण्य में लिंग धारणी है, यही मान सरोवर में कुमुदा है, पुष्कर में यही माँ पुरुरुहा है और पुरहुता है, यही केदारपीठ में सन्मार्ग दर्शनी है। माने जहाँ जहाँ माँ के ये शक्तियों का वर्णन है, जहाँ जहाँ अंग माँ के स्थापित है, यह केदारपीठ पर सन्मार्ग दायिनी और वैसे ही गौकर्ण में ये मद्र कर्णिका है, रुद्रकोटि में रुद्राणी है, यही माँ वृंदावन में राधा है, कात्यायनी अलग अलग रूपों में है, यही चित्रकूट पर माँ सीता का स्वरूप है, विंध्याचल पर्वत पर यही विंध्यवासिनी है, अमरकंटक में चंडिका है, यही शिव के सानिध्य में है माँ पार्वती, देवलोक में है इंद्राणी और ब्रह्म के मुखों में है ये सरस्वती और सूर्य के बिंब में है प्रभा, मातृकाओं में वैष्णवी माने इस माँ शक्ति के अनेक शक्ति पीठ है और अनेक माँ भगवती के नाम है। जहाँ जहाँ जिस जिसने जिस जिस भाव से अपने आप को समर्पित कर दिया माँ की शक्ति ने उस पर कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। किसी भी रूप में माँ को किसी भी स्थान पर मान लो, कहीं माँ की शक्ति कम और ज्यादा नहीं है, सब स्थानों पर बराबर ही बराबर है।